दिलजीत बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी प्रतिभा का खून कर देते हैं। इस स्रोत है सर ऊपर वाला, ना कोई और था, ना कोई और है, ना कोई और होगा। नमस्कार, अर्थप्रकाश टीवी के लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। डिजिटल संवाद में आज हमारे साथ बॉलीवुड के एक्टर, मशहूर कॉमेडियन और उभरते हुए राइटर के रूप में मौजूद हैं इंद्रपाल सिंह जी। स्वागत है इंद्रपाल सिंह जी आपका। शुक्रिया दिनेश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस लाइव सेशन। बल्ब उतारो थल्ले रखो से ख्याति प्राप्त करने वाले विक्की डोनर में आपकी जो ख्याति मिली और हम सबको जो आपने हंसाया, गुदगुदाया गुदगुदाया, आज तक हम आपके उस बल्ब उतारों पर तिरकते हैं। क्या था उसका राज? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा आपसे। सर ये बल्ब उतारो थल्ले रखो का राज ये है कि ये जो जिग है ये हमें बताया था हमारे डायरेक्टर साहब ने, श्री सुजीत सरकार ने, और ये जी पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्होंने कहा था इंदर आपको ऐसे करना पड़ेगा और बंगाली लेडीज को मैं फिर एक छोटा सा पंजाबी स्टेप सिखाता हूँ, तो ये सारी जो क्रेडिट है ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। रोल हालांकि आपका छोटा था विक्की डोनर की अगर हम बात करें, लेकिन वो अपने आप में ऐसा रोल था कि एक तो ये बल्ब उतारो आपने अब जीवन भर के लिए हम दर्शकों में ये छाप छोड़ चुका है कि इंद्रपाल सिंह जी बल्ब उतारो थल्ले रखो, एक अलग ही एक कैरेक्टर आपका। एक ताया जी आपने उसमें जो रोल निभाया, तो क्या था ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल? मतलब जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, जो अप्रोच की आपको इस फिल्म के लिए, तो क्या था ये सब्जेक्ट? बिल्कुल अलग हटके था, स्पर्म डोनर के ऊपर ये मूवी बनी, तो ओवरऑल थॉट प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को इस बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट चूज किया था सुजीत जी ने, ये बड़ा ही डेलिकेट सब्जेक्ट था। इस अगर सब्जेक्ट को बाकायदा प्रॉपरली हैंडल ना किया जाता तो इट कुड हैव गॉन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डिवाइड। लेकिन सुजीत जी की क्वालिटी ये है कि उन्होंने इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को भी इतनी खूबसूरती से डायरेक्ट किया, इतनी ग्रेसफुली डायरेक्ट किया कि हॉल में दादा दादी लोग भी इसको देखने आए। तो ये काफी हद तक सब्जेक्ट तो था ही यूनिक, लेकिन जी डायरेक्शन जो मिली वो भी अद्भुत थी और बड़ी ग्रेसफुल थी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि सारा परिवार के परिवार इसको हॉल में देखने हैं। विक्की डोनर के बाद आपने मुख्तियार चड्ढा और बहुत सी अच्छी मूवीज में आपने काम किया, जिसमें से बेशर्म भी आपकी एक मूवी रही। मुख्तियार चड्ढा जो थी आपकी शायद दिलजीत दोसांझ के साथ थी, अपने आप में वो बड़े बॉलीवुड के भी अब तो कलाकार हो ही चुके हैं, खैर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एंटर किया। कैसा रहा दलजीत दोसांझ के साथ आपका ये एक्सपीरियंस? फंटास्टिक, वेरी एनर्जेटिक। दिलजीत बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर है और ये एनर्जी वो अपने को एक्टर्स में भी देते हैं। तो जब कोई एनर्जेटिक परफॉर्मर परफॉर्म करता है तो उसका जो को एक्टर है ही ऑल्सो हैज टू बी ऑन टूज, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। ऑन स्क्रीन हमने दिलजीत जी को देखा है बहुत अच्छी कॉमेडी करते हुए और हमेशा हंसाते हो, जब भी बस उनका चेहरा पर बहुत होता है देख लिया तो समझ लो कुछ ना कुछ अब हंसने वाली चीज होने वाली है। क्या ऑफ द स्क्रीन भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ? नहीं, दिलजीत थोड़े से रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं और कम बोलते हैं। शायद वो अपनी एनर्जी गेन कर रहे होते हैं उस समय, ताकि जब कैमरा ऑन हो तो वो ही कैन यूज इट टू द परफेक्शन। जी, तो अब उसके बाद बात करते हैं, अब हम बेशर्म मूवी जिसमें आपने रणवीर कपूर, ऋषि कपूर जी और नीतू सिंह जी जैसे कलाकारों के साथ काम किया, जावेद जाफरी भी उसमें थे। उसमें आपका कैरेक्टर एक अलग टाइप का था, इन दोनों मूवीज से हटके था, जिसमें एक कार चोरी की कार खरीदने का आप काम करते थे, चंडीगढ़ बेस्ड थे आप, हमारे शहर से थे। तो ये क्या था ये रोल जब आपको मिला, तो किस तरह का आपने इस पे रिएक्शन था आपका? देखिए मेरे को जब ये रोल मिला तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था और वो राखी का दिन था। हमारे घर में हमारी बहनें आती हैं और हमारी बुआ जी लोग आते हैं, तो इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ एन ओकेजन। तो सडनली राजीव बर्नवाल का फोन आया, जो कि चीफ एडी थे उस फिल्म के, इंदर भाई आपको हम एक फिल्म बना रहे हैं और आपको रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया है अभिनव भाई ने, अभिनव सिंह कश्यप जो कि डायरेक्टर थे। तो जी मैं सब कुछ सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है सर, तो मुझे ऑडिशन कब देना होगा? उन्होंने कहा नहीं, आपने सुना नहीं ठीक, आपको इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। फिर थोड़ी सी बात अच्छा, हुई, विदाउट ऑडिशन? तो फिर ओके मैंने कहा जी मेरे को ऑडिशन कब देना होगा? ऐसा ना 3-4 बार हुआ तो राजीव भाई कहने लगे शायद आप सुन नहीं रहे हैं, आपको अभिनव भाई ने विक्की डोनर में देखा और उनके दिमाग में बिल्कुल आप ही हैं, आपका ऑडिशन नहीं होगा, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अब दोबारा मत ऑडिशन के बारे में पूछना। सो क्या हैप्पी के विक्की डोनर में छोटा सा रोल था, उससे छोटी सी छाप छोड़ी और कि भाई बिना ऑडिशन के एक परफॉर्मेंस का एक छाप छूटी। तो
तो मैं बड़ा खुश था कि यार सेकंड फिल्म में ही मुझे अच्छा सा रोल मिल गया, तो जी, इट्स हैप्पी मोमेंट। आपका एक नया अब हम किरदार देखने को मिल रहा है हमें एक राइटर के रूप में, और आपने एक शायद उसका एक नाम भी दिया है इमेजिन सिंह, और खासकर क्यूरियोसिटी तब बढ़ जाती है जब उस इमेजिन सिंह के आई पर दो डॉट हमें दिखते हैं। सो दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ये है क्या, दो डॉट वाली आई का है क्या मकसद, और पहली बात, दूसरी बात, इमेजिन सिंह आपने जो नाम रखा है इसके पीछे की कहानी क्या है? सर, मेरा मानना ये है कि हम सब में प्रतिभा है और कूट कूट के भरी हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी प्रतिभा का खून कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कितने क्रिएटिव, टैलेंटेड या इमेजिनेटिव हैं। तो इमेजिन सिंह का मकसद ये है कि वो हर आदमी को इस चीज से अवगत कराए कि वो भी क्रिएटिव है, वो भी इमेजिनेटिव है। ओके, तो इमेजिन सिंह का पर्पस है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना। दूसरी बात है कि क्रिएटिविटी इज नाउ अ सब सब ऑफ साइकोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर डिसिप्लिन है, पढ़ाई है। तो लोग अपने जब एक स्पार्क आपके दिमाग में आता है और जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इट गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस। अगर आपको पता है कि वो कौन कौन सी स्टेज से जाता है और किस स्टेज पे है, तो आप अपने क्रिएटिव प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह मैनुपुलेट कर पाएंगे ताकि आप अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल पाए। तो ये चीज लोगों को बताना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं ये जानने के बाद कि उनको पता होता है हाँ मैं स्टेज में हूं, तो वो अपने आइडियाज को लूज नहीं करते, वो उनको कैप्चर करते हैं और मैजिक होता है सर। तो इस पे आपने बुक भी लिखी है मैं समझता हूँ, शायद आपने, मुझे याद है आपने एक बुक लॉन्च की थी पहले, अभी थोड़े समय पहले। आई ये बुक है द आई वे, ओके, आई वे, द 100 कोट्स ऑफ आई वे बाय इमेजिन सिंह। ओके, सो व्हाट इज दिस आई वे? आई वे इज मीन्स इट्स माय वे, इट्स एन इंडिविजुअल्स वे। आई वे इज इमेजिनेशंस वे। देखिए, ओके जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ सकती है ना, जी, कोई भी। तो सबसे आप बड़ी कोरोना आया हुआ है अभी तो। देखिए, अब वो है ना, अब आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं या एज अ चैलेंज लेते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो अगर आप अपनी इमेजिनेशन को डेवलप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो आप इक्विप्ड हैं लाइफ के लिए, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप सशक्त सक्षम होता है। हैं, सक्षम। तो इसीलिए इमेजिनेशन द आई वे। तो इसमें क्या बेसिकली आपने कुछ पॉइंट्स दिए हैं रीडर्स के लिए कि किस तरह से पॉजिटिव रहें, अंदर से किस तरह से अपना जो प्रोडक्टिविटी है किस तरह से उसको निकालें, क्या है मतलब, व्हाट इज द कोर ऑफ द बुक? नहीं, ये जो बुक है ये बेसिकली दीज आर 100 कोट्स। ओके, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इसमें कोट्स हैं विद ब्यूटीफुल इमेजेस, जैसे कि आप ये देखें। तो इसमें ना बहुत सारे सुंदर सुंदर कोट्स हैं, 100 कोट्स हैं, ओरिजिनल कोट्स हैं, ओके, और बहुत सारे सुंदर पिक्चर्स हैं। तो इट इज बेसिकली इट्स माई हम्बल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। ये मेरे थॉट्स हैं। मेरी आपसे पर्सनल मुलाकात भी हुई है, मैंने आपको बड़े पर्दे पर भी देखा है कलाकार के रूप में, और सभी दर्शकों ने भी देखा है आपको, जितना मैं थोड़ा पर्सनली आपको जानता हूं, और बड़े पर्दे पर जो आपका चरित्र आपने जो जो निभाए हैं, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, कहां से लाते हैं इंद्रपाल जी आप एनर्जी? एक ही स्रोत है सर, ऊपर वाला। ना कोई और था, ना कोई और है, ना कोई और होगा। तो पूरी एनर्जी जो मतलब आप गेन करते हैं ऊपर वाले के भरोसे आप चलते हैं। अच्छा, चलते हैं बॉलीवुड की तरफ चलते हैं, आने वाले मूवीज आपकी अब कौन कौन सी होंगी? अभी कोई प्रोजेक्ट है जिसपे आप कर रहे हैं काम? मेरी एक मूवी है, उसका नाम है बंटी और बबली टू, यशराज फिल्म्स हैं। जी, ये स्टार कास्ट है, सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत और शर्वरी वाघमारे। अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे जो आप प्ले करने लगे हैं इस मूवी में? बस इतना ही बता सकता हूँ कि आई प्ले वन ऑफ द गैंग मेंबर्स, और इसमें भी अच्छा रोल है। अच्छा इन द सेंस के जॉली है, लेकिन एक अलग सा रोल। अच्छा, मतलब लेकिन जो आपका जो जॉनर है जॉली जॉली वाले रोल करने का, वो अभी भी कंटिन्यूड रहेगा इसमें भी? आपके चेहरे पे मुस्कान ला के रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, और दर्शक आपको पसंद भी उसी में करते हैं, मैंने देखा है अधिकतर, आपकी जो अधिकतर ख्याति मिली है आपको उसी से मिली है। तो इसमें आपने बताया सैफ अली खान आपके साथ हैं, और हीरोइन कौन बताई आपने जो इसमें रहेंगी महिला अदाकार? रानी मुखर्जी हैं, और नए में सिद्धांत हैं, अपकमिंग सुपरस्टार, और शर्वरी वाघमारे हैं, जिनकी सीरीज बहुत हिट हुई है अभी। बिल्कुल पुरानी बट्टी और बबली से कुछ अलग होगी हटके? जी सर, पुरानी बंटी और बबली वाज अ यू नो इट्स इट वाज अ बेंचमार्क, क्योंकि वो पहली फिल्म थी जो छोटे शहर पे बनी थी और मैसिव हिट थी। और ये फिल्म
उसी की एक उसी स्टोरी को आगे ले जाती है, लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें स्टोरी और भी पावरफुल है, इट्स मोर एनग्रॉसिंग, सो नाउ यू हैव टू हीरोज एंड टू हीरोइंस। ओके तो अभी पिछली बार हमें याद है जो पृष्ठभूमि थी बंटी और बबली की वो उत्तर प्रदेश थी, आगरा, ताजमहल, वो सब कुछ था। तो इस बार कहाँ का लेने लगे हैं अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें? इस बाहर भी लगभग वही क्षेत्र है सर, हिंदी हार्टलैंड। और अमिताभ जी की जगह, अमिताभ जी का रोल है इसमें या कुछ अलग हटके? स्टोरी इस बार ऐसी है कि वो कैरेक्टर अब इस बार नहीं होगा? जहां तक मुझे नॉलेज है शायद नहीं है, जहां तक मुझे नॉलेज है। तो ये कब तक आने की संभावना है इस मूवी को? शूटिंग हो चुकी है स्टार्ट? नहीं, शूटिंग हो चुकी है और शूटिंग काफी कंप्लीट भी हो चुकी है, बट बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस अब थोड़ा सा वो रीप्लान कर रहे हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं सो दैट दे हिट थिएटर्स एट द राइट टाइम। इंद्रपाल जी, कोरोना की बात चल पड़ी तो बॉलीवुड ने भी अभी काफी इसमें जोल्ट सहा है कोरोना काल के अंदर। जैसे सब सभी चीजें बंद हो गई थी, ठप हो गया था सब कुछ, हम सब घरों में कैद हो गए। आने वाले समय में बॉलीवुड किस तरह से प्लान कर रहा है? सर बॉलीवुड तो इट्स फिल्ड विद पीपल हु आर फुल ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, और वो किसी से डरते नहीं, वो हमेशा अपनी प्रतिभा को आगे रखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रिजल्ट मे बी। और इसका एक उदाहरण ये है कि अब शूटिंग फिर से शुरू हो गई है लेकिन पूरे सेफ्टी के साथ। को एक काम का संदेशा आया था तो मैंने कहा आप शूटिंग कैसे करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि आपके घर में ही हम भेज देंगे, एक ऑडियो वाले होंगे और एक बेसिकली सिनेमाटोग्राफर होंगे और डायरेक्टर उनको वहां से डायरेक्ट कर देगा उनको क्या शॉट सीन। तो भाई साहब परिस्थिति कोई भी हो ह्यूमन स्पिरिट इज ऑलवेज हाई। तो अब जो आप कह रहे हैं कि जो शूटिंग्स होंगी वो काफी हद तक लिमिटेड स्टाफ के साथ, लिमिटेड मेंबर्स के साथ अब ये मजबूरी हो जाएगी करने की। कीपिंग सेफ्टी इन व्यू, तो आने वाले समय वैसे आप कैसे देख रहे हैं कि लोगों में कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए? वैसे तो कर हम इंडियंस में बहुत अच्छी इम्यूनिटी मानी जाती है हमेशा। आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी तो माशाल्लाह आप में बहुत फूट फूट कर है, तो अपने दर्शकों को किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे इस कोरोना काल में आगे इस संकट को से उभरने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं इसको संकट मानता ही नहीं। जी उसका रीजन है, कुछ फैक्ट्स आप देखिए कि 80% पीपल हु हैव कोरोना डोंट इवन रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर टू, अगर आप मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें तो आई थिंक कोरोना कांट टच यू। थर्ड थिंग है, अगर हो भी जाता है तो बहुत ही हमारा टचवुड जो डेथ रेट है वो तो बहुत कम है, इट इज लेस देन 2%, वो भी अभी क्योंकि कम टेस्टिंग हो रही है तब 2% आ रहा है। इट इज सेड के बहुत ज्यादा लोगों को है लेकिन टेस्टिंग कम हो रही है, तो इट गोज इवन डाउन लेस देन 1%। तो इसमें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, काफी बीमारियां हैं जिससे और लोग मर रहे हैं, कैंसर हो गया, दूसरी हो गई उससे काफी, लेकिन क्योंकि कोरोना क्या अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अच्छा, चौथी बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन बाय द ईयर एंड वी विल हैव, कहीं ना कहीं से हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस टीका लगाइए एंड अगेन यू आर फ्री लाइक अ बर्ड, सो नथिंग टू वरी। इनफैक्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये टाइम अपनी फैमिली से ज्यादा जुड़ने में, ऊपर वाले से ज्यादा जुड़ने में, और इवन अर्थ नीड्स यू नो ब्रीदिंग स्पेस। मैं पहली बार, मैं सर दिल्ली नोएडा क्षेत्र में रहता हूँ, पहली बार मैंने पिछले 2 महीनों में आसमान का रंग देखा, पहली बार मुझे समझ आया कि नोएडा की छत से भी तारे नजर आ सकते हैं और बड़ा खूबसूरत नजर आते हैं। जी मेरी बिटिया यू नो शी इज वेरी मच इनटू एस्ट्रोफिजिक्स, तो वो मेरे को लेके गई, उसने मुझे सैटर्न के रिंग्स दिखाए और बहुत कुछ चीजें दिखाई, तो यू नो यू आर कमिंग क्लोजर टू नेचर। बेसिकली आप इसको कैसे लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है, कई लोग बहुत नवाजे हुए होते हैं लेकिन वो बेचारे उनका जो रवैया होता है नकारात्मक होता है, वो रोते ही रहते हैं। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा जो बरसात में चड्डी में एंजॉय कर रहा है। क्या बात। सो द बेसिकली द की फैक्टर इज टू कीप योर सेल्फ मोर एंड मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ। आपकी दूसरी बुक भी आ रही है इंद्रपाल जी? जी, मेरी दूसरी बुक भी आ रही है और आपकी गुड विशेस के साथ अगर सब कुछ ठीक रहा, समय पे रहा, तो इस महीने लॉन्च हो कर देंगे। उसका थीम क्या रहेगा? उसका थीम ये है सर, इट इज रिटन इन अ पोएटिक फ्लेवर, जरा शायराना अंदाज में है, इंग्लिश में है, और इट इज अबाउट 100 सिनेरियोस। तो उसमें बेसिक थॉट यही है कि इन सिनेरियोस को यूज करके आप अपनी इमेजिनेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इट्स अबाउट एनहेंसिंग इमेजिनेशन। फिर से मूवी पे चलते हैं एक बार। रणबीर कपूर के साथ आपने काम किया, बेशर्म मूवी थी, कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? Awesome. बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने आपको कहा कि रणबीर, दिलजीत, ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर्स हैं, ये लोग जब परफॉर्म करते हैं तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज एज ए को एक्टर, तो
बहुत मजा भी आता है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, तो जो वो लर्निंग कर्व है आपका शार्प होता जाता है, तो इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। अब आपका नया एक्सपीरियंस होगा, आई थिंक दैट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम यू आर शेयरिंग कैमरा विद सैफ अली खान। शायद सैफ भाई के साथ मेरा रोल नहीं है, ओके मैं अभी दूसरी टीम में हूँ, तो उनके साथ शायद मेरा रोल नहीं। बट मूवी तो चलिए वही है, तो आपको अपना एक कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को उस कैरेक्टर में और जीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस अपकमिंग फिल्म बंटी एंड बबली टू। आई रियली आई एम थैंकफुल टू एवरीवन इंक्लूडिंग द डायरेक्टर वरुण शर्मा। अर्थप्रकाश के दर्शकों को कोरोना संकट में जिस तरह की अब हर व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम है, जैसा अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, इमेजिन सिंह क्या इमेजिनेशन देना चाहेंगे? देखिए, नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। ट्रू जब भी हल्का सा प्रेशर पड़ता है, वो कहते हैं कि नो प्रेशर नो डायमंड्स। आपको पता है डायमंड्स कैसे बनते हैं? जब धरती पे बहुत प्रेशर पड़ता है बहुत सालों तक, तो क्या निकलता है? हीरा। और हीरा होता है सदा के लिए, है ना? तो इसीलिए अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, इसे पॉजिटिव रूप में लीजिए और इसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कीजिए, इसे एज ए थ्रेट मत देखिए। हाँ, डिसिप्लिन जरूरी है, हमें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, सावधान रहना है, लेकिन डरना नहीं है मेरे भाई, हमको कोई डरा नहीं सकता। डरना हमारी वो डीएनए में है नहीं दोस्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंद्रपाल जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, आपके आने वाली फिल्म्स, आपके आने वाली बुक के लिए। अर्थप्रकाश की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। अर्थप्रकाश देख रहे सभी दर्शकों को इंद्रपाल सिंह जी की तरफ से, प्रेशर जो कि डायमंड जब निकलता है तो प्रेशर से निकलता है इन्होंने बताया, तो अपने आप को प्रेशराइज करें लेकिन पॉजिटिव रहते हुए करें, जो कि इंद्रपाल सिंह जी का मैसेज था आप सभी के लिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात करते हैं, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। थैंक यू इंद्रपाल जी, नमस्कार। थैंक यू दिनेश भाई, नमस्कार, स्टे होम स्टे सेफ एंड जय हिंद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।